हेलो गाइस, तो मैं बनाने वाला हूँ लूमिस मेथड से फेस को। तो आपको लूमिस मेथड से फेस बनाने के लिए पहले बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो गलती हो गया, ये तो छोटा हो गया। तो पहले बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए, लूमिस मेथड को लगाने के लिए, फेस बनाने के लिए बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से। आपके पास कुछ ड्रॉ करने वाला है तो उससे ड्रॉ कर लीजिएगा, वैसे तो हाथ से ही ड्रॉ करूँगा। और अच्छे से ड्रॉ करने के बाद बीच से उसको दो डिवाइस करना होगा। तो मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है सर्कल, उसको बीच से डिवाइस कर दीजिए बराबर एकदम, और इधर साइड से भी डिवाइस कर दीजिए। तो हमने बीच से और साइड से डिवाइड कर दिया अच्छे से एकदम। और उसके बाद मैं इसके और चार भाग हुए हैं जिनको मैं तीन तीन भागों में पार्ट दे रहा हूँ। ऐसे लाइंस को, जो सीधा लाइन है उसको तीन भागों में, नीचे वाले को पूरा ऐसे लाइन खींचे और ऊपर वाले को भी ऐसे लाइन खींचे, फिर साइड से भी ऐसे लाइन खींचे और इस साइड से भी ऐसे ही लाइन खींच ले। फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला, उधर से आपको क्या करना है, ये लूमिस मेथड है गाइस। तो आपको फिर ये वाला जो है इसको थोड़ा बढ़ा देना है, जितना लाइन का जो है ये जो पार्ट है ना उतना को करना है। इसको कितने का इसमें लगा दीजिए, इसमें भी ऐसे ही लाइन खींच दीजिए। ये जो इतना पार्ट है उतना ही इसको रखना है, इसको थोड़ा बाहर। ये है हेयर का, ये है नोज का, और ये है आईब्रो का, और ये जो नीचे है ये है हमारा जो यहाँ पर होता है ना दाढ़ी वो, और ये है लिप्स का। ये जो हमारा हो गया लाइंस तैयार। आप इससे किसी का भी फेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए किसी के फेस ड्रॉ करने के लिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं किसका फेस को ड्रॉ करूँ। मैं उसी का फेस को ड्रॉ करूँगा जिसको आप लोग बताओगे। तो मैं उसको पहले आईब्रो को बना लेता हूँ, जिस लाइन पर आईब्रो है उसको बना लेता हूँ। मैं पहले सबसे पहले आईब्रो को बना लिया हूँ, उसके बाद नोज वाले लाइन पर मैं नोज को बनाऊँगा। तो नोज वाले लाइन पर मैं नोज को बना रहा हूँ, और नोज वाले लाइन पर जो ऊपर का साइड है उधर से आपको अच्छे से नोज को बनाना है, जिससे आपका मेंटेन होता रहेगा। तो लिप्स वाले पर आपको क्या करना है, नोज के थोड़ा सा नीचे आपको भी लिख देना है, और उसके बाद एक लाइन खींच देनी है और भी को मिलाते हुए लाइन पर लाना है, और आपका लिप्स दो होगा तैयार हो जाएगा अच्छे से। देख सकते हैं हमारा लिप्स कितना अच्छा तैयार हो गया है। हमारा लिप्स जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो अच्छा सा हमारा लिप्स जो है बन गया है। तो मैं ऐसे उसको डार्क कर दे रहा हूँ, जो साइड साइड का है फेस को आउटलाइन को ड्रा कर दिया है मैंने पेंसिल को छीलकर। फिर से उस आईज को बनाऊंगा। आईज को बनाने के लिए आपको अच्छे से मेंटेन करके ऐसे बनाना होगा। आईज की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी नोज के जो लाइन होता है वहाँ तो होती है, उतनी ही मेंटेन करके आप लोग बना लीजिएगा। वैसे ही मैंने भी बनाया है। तो आईज को बनाकर उसको कलर कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आईज को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना आईब्रोज का, जो आईब्रोज का लाइन होता है वहीं से आपका गला स्टार्ट होता है। तो आईब्रोज के लाइन से मैंने गला स्टार्ट कर लिया है, और ये देखिए हमने गला बना लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर बनाना। तो हेयर बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से आपको हेयर का जो फेस पर जो हेयर होता है उसका हम लोग भाग को पहले बनाएंगे। तो मैंने वैसे ही बना रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने इसको पूरा बना लिया हूँ। फिर अच्छे से यहाँ पर जो आइस का है, आइस से हम लोग ऐसे स्टार्ट करके इसका हेयर अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं। तो आइस को स्टार्ट करके हम लोग अच्छे से इसको हेयर को ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पर हम लोग कान को ड्रॉ करेंगे, इसका कान को हमने ड्रॉ कर रहा है। तो अच्छे से इसको ड्रॉ करने के बाद आपको देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो फेस बनकर तैयार हो गया है। तो इसको पहले सभी लाइंस को मिटा देते हैं हम, जिससे इसका फेस बहुत ही अच्छा दिखे। तो मैं सभी लाइंस को मिटा रहा हूँ गाइस, आप भी मिटा दीजिएगा। तो कितना अच्छा इसका फेस दिख रहा है। तो थोड़ा सा ओट भी मिट गया है इसका लिप्स, तो लिप्स को हम फिर से ड्रॉ कर देंगे। तो पहले लिप्स को जितना भी फीका फीका हो गया है पेंसिल उसको डार्क कर दीजिए। तो मैंने तो डार्क कर लिया। ये है सीधा, कोई भी मॉडल सीधा खड़ा रहता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका फ़ोटो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए किसी का बनाने का इस मेथड से तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसी मेथड से किसी का ड्रॉ बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप देखिए साइड में किसी का फेस रहता है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक शेप कर देना है गोल गोल सा। पहले तो राउंड बना देना है, फिर उस वैसे ही तो करना है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो इसमें वैसे ही प्लस कर देना है, चार भागों में बांटने के लिए प्लस कर देना है। फिर हम प्लस कर लें, गड़बड़ हो गया यार।
तो अच्छे से फिर तीन भागों में इसको बांटेंगे, तीन भागों में इसको बांटेंगे, इसको लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर वाला का भी लाइन खींचेंगे, फिर इसको मिलाएंगे नीचे साइड, तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे नीचे साइड, उसको भी अच्छे से नीचे साइड मिला लेंगे, फिर इसको जो है थोड़ा सा नीचे ऐसे लाते हुए इस लाइन में टच कराएंगे, तो अच्छे से लाते हुए इस लाइन में टच कराने के बाद यहाँ से गला निकाल देंगे उसका। तो थोड़ा सा गला निकालने के बाद हमारा जो है ये इसका फेस तो हो गया है, अब इसका जो पूरा आईज नोइस लिप्स है उसको ड्रॉ करना है, उससे थोड़ा सा ऐसे करना है जिसका आईज का जो थोड़ा सा होता है वो बन जाएगा। फिर नोइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ से थोड़ा सा ये गलती हो गया है तो यहाँ पर देखिए नोइस बनाने के लिए आपको उठाकर यहाँ से फिर यहाँ पे तो इस प्रकार से नोइस बनाना है। तो इस जो लाइन है तीसरे लाइन पर आपको नोइस बनाना है, और यहाँ पर जो दूसरा लाइन है उस पर आपको आईब्रो बनाना है, फिर यहाँ पर आईज बना लेनी है अच्छे से। तो ये देखिए हमने आईज आईब्रो और नॉइज बना दिया, अब लिप बनाने के बाद ये तो हम यहाँ पर मिटा लेते हैं जिससे हमारा लिप बहुत ही अच्छा बने। तो उसके लिए एक लाइन खींच लेंगे पहले, फिर उस पर लिप्स बनाने का तैयारी करेंगे। तो हमारा देखिए लिप्स कितना अच्छा बन रहा है, बट ये उसी की तरह बन रहा है जैसे ऊपर से बना, वैसे ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो हमने लिप्स को अच्छे से बना लिया है, अब आपको ज़रूरत है बस हेयर बनाने का और कान बनाने का। तो हेयर को हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेंगे इससे हेयर अच्छा दिखे, और ऐसे लाकर यहाँ पर सटा देंगे गोल में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे गोल में सटा दिया है, फिर इसको नीचे के साइड ले जाएंगे जो कनपट्टी के पास होता है वही, और फिर हम लोग कान बनाएंगे। तो यहाँ पर कान के लिए गोल पार कर प्लस देकर उसमें एक कान का शेप दे देंगे, तो अच्छे से हम लोग कान का शेप दे रहे हैं अभी, तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इसको मेंटेन करेंगे थोड़ा देर बाद। तो इसको करने के बाद हम लोग ये हेयर जो है इसको अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे, फिर तो इसको अच्छे से मेंटेन कर, देखिए मैंने कहा था मेंटेन करेंगे कान को, तो इसको थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आज फिर से इसको अच्छे से ऐसे मिटा लेंगे जो है, और सभी लाइन्स को मिटा लेंगे, सर्कल को और जो लाइन्स है उसको, और अच्छे से इसको हेयर को डार्क कर देंगे आउटलाइन को, और हम लोग कान को अच्छे से इसको मेंटेन कर ले रहे हैं अच्छे से। हाँ तो हमारा हो गया है गाइस, तो अच्छे से हमने मेंटेन कर लिया है, ऐसे हेयर को हम लोग बना देंगे। और ये देखिए हमारा जो है साइड भी हो गया है, ये लुइंग मेथड से हमारा साइड का भी हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और इसी मेथड से आपको कुछ ड्रॉ करवाना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, तो ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। तो बाय बाय गाइस, कमेंट बताइएगा कैसा है, तो बाय बाय।